नमस्कार दोस्तों, अपन कुछ क्वेश्चन पहले कार्य वर्ग के कर चुके थे, वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं से आप देखेंगे कुछ प्रैक्टिस अपन मैथ्स की यहां पर कर रहे हैं। एक एक चीज़ों को देखना, एक एक चीज़ को आपको समझना है किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। तो आराम से देखना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस टाइप से कहानी आपकी चलेगी। देखो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है और क्वेश्चन नंबर पहले में माई डियर बात आपकी क्या कर रहा है, इधर देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। वो बात कर रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेगा। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा तो आपको करना क्या है, बात को देखें, बात को समझेंगे। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है आपका प्रोसेस क्या रहेगा, देखें बात आपकी क्या है। उसने बोला है ए प्लस बी, किसकी बात कर रहा है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में। फिर बात कर रहा बी प्लस सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बी प्लस सी की, और बी प्लस सी की माय डियर बात करें तो बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। फिर यहां पर माय डियर बात कर रहा है सी प्लस ए की बात कर रहा है, और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। यह तो दिया हुआ था। अब जब भी माय डियर इस टाइप की बात करेगा आपको क्या करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60। ये जो एलसीएम आपका आया, ये एलसीएम आपका क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, यानी कुल कार्य आपको कितना करना है, इनको कुल कार्य कितना करना है, 60 यूनिट करना है। अब ये 60 यूनिट को अगर ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में इतने ने कितना यूनिट काम किया होगा, 5 यूनिट काम किया होगा, यानी मैं 60 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 पंजो कितना, 60। अगर मैं 60 को 15 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 4। अगर 60 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर माय डियर बात करें ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। इन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखें ए प्लस आपका क्या दिया है, बी, और यहां पर माय डियर बात करें तो आपका क्या दिया है, बी प्लस आपका क्या दिया है, सी, और यहां पर माय डियर बात करें तो सी प्लस आपका क्या दिया है, ए दिया है, ए दिया है। और इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, 5, 4 और 3 को, 5 और 4 9 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 12। अब देखो यहां पर ये सभी डबल बार आ रहा है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो यहां पर 2 क्या लेने, कॉमन लेने, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 12। अगर यहां पर माइडिया बात करें ए प्लस बी प्लस सी, अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम आपको कितना करना है, 60 करना है, तो यहां पर तीनों मिलकर 60 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, 60 को कितने से डिवाइड कर दें, 6 से, तो यहां पर तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, 10 दिन में करेंगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अब देखें अगला अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें क्या दे रहा है। यहां पर बात कर रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 20 दिन में कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं तो ज्ञात करें वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। उसने दे रखा है कि ए प्लस बी इतने दिन में करेगा, बी प्लस सी इतने दिन में करेगा, सी प्लस ए इतने दिन में करेगा, लेकिन वो बात कर रहा है कि ये तीनों अगर अलग अलग काम करें तो अलग अलग पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलो देखें यहां पर माय डियर जब भी इस टाइप की बात करेगा आपको करना क्या है, बात को देखें, बात को समझें। उसने दिया हुआ है ए प्लस बी, किसकी बात कर रहा है, ए प्लस बी की बात कर रहा है। ए प्लस बी किसी भी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। यहां पर माय डियर बात कर रहा है बी प्लस सी की बात करें, और बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यहां पर माय डियर बात करें सी प्लस ए की बात करें, और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ये तो हो गया, ये तो दिया हुआ था। अब इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 10, 12 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 60। ये जो 60 आपका आया, ये आपका कुल कार्य होगा, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा कि आपको कुल कार्य कितना करना है, 60 यूनिट करना है।
अगर मैं 60 को 10 से डिवाइड कर दूं, 7 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा कितना, 6, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट। अगर 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5, यानी बी और सी एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। अगर 60 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3, यानी सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं। अब देखो इन सभी को ऐड कर दिया जाए, ए भी दो बार है, बी भी दो बार, सी भी दो बार, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, ए ये प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट इधर दो से डिवाइड कर दें ऐड करके, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड किया 14, तो 14 को कितने से डिवाइड कर दें, 2 से, और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आया आपका, 7 आया। यानी यहाँ पर आइडिया बात कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं, कितना यूनिट काम करेंगे, 7 यूनिट। अब उसने बात करी कि अलग अलग तीनों कितने समय में पूरा करेंगे, अगर मैं निकालना चाहूं ए का निकालना चाहूं तो यहां पर देखें बी प्लस सी की बात करें, बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो यहां पर आइडिया बात करें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 7 है। अगर मैं यहां पर बी प्लस सी की बात करूं तो बी और सी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं आपका, 5 यूनिट। अगर B और C की वैल्यू यहां पर घटा दें तो A की वैल्यू आ जाएगी, और A की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 7 में से अगर 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी A एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट अगर काम करता है टोटल काम कितना है आपका, 60 है। टोटल काम अगर 60 है, 60 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने दिन में करेगा, A इस कार्य को कितने दिन में करेगा आपका, 30 दिन में करेगा। अगर मुझे B का निकालना हो, किसका निकालना हो, B का, तो बी का निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखें इधर, यहां पर मैं ये बात करें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट। अब बी का अगर निकालना है तो देखो सी और ए, सी और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं आपका, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर मैं 7 में से 3 को घटा दूं तो यहां पर सी और ए की वैल्यू घट जाएगी, अगर 7 में से 3 को मैंने घटाया तो 4 बचा, यानी बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। टोटल कार्य कितना है आपका, 60 है। अगर 60 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा आपका, 15, यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। फिर मुझे अगर सी का निकालना है कि भी अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, इधर देखें, सी का अगर आपको निकालना है तो देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। अब सी का निकालना है तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू घटा दूँ, ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 6 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट। अगर मैं यहाँ पर सी का निकालना तो ए और बी 6 यूनिट कर रहे हैं तो 7 को 6 में से घटा दें, 6 को 7 में से घटा दें तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यानी जो सी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। टोटल कार्य आपका कितना है, 60 है। तो एक दिन में अगर 1 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। चलो देखें ऑप्शन। अब यहां पर मैं ये बात करा ए, ए की बात करें तो ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 60 दिन में। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला वाला। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ आई होगी, चीजों को देखते जाएं समझते जाएं किस टाइप से बात हुआ कर रहा है। अब यहां पर मैं ये बात करें क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया है, और क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या दिया है देखेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा आइडिया आपको दिया हुआ है और ये दिया है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, क्वेश्चन को क्या करें, एक बार पढ़ें, और एक बार पढ़ें और क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, देखें ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो चलो देखो तरीका आपका क्या रहेगा, तरीका वही है, देखो चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या है, यहां पर मैं ये बात कर रहा है, देखें उसने बोला है ए प्लस बी किसी भी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, और बात करें बी प्लस सी उसी कार्य को 8 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करते हैं। ये तो दिया हुआ था, अब इसका क्या ले लें, अपन एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम आइडिया लेंगे तो 12, 8 और 10 का जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 120। ये जो 120 आया ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल कार्य, टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा कि आपको कुल कार्य कितना करना है।
अब ये 120 यूनिट को 12 दिन में करता है तो एक दिन में इसने कितना यूनिट काम किया होगा, ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना, क्या करना है जो एलसीएम आया उसको 12 से भाग दे दें, और 120 को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर मैं 120 को 8 से भाग दें तो 8 एकम कितना, 8 4 बचा चला, तो आपका बचा कितना 4 40 हो जाएगा, 40 को अगर 8 से भाग देंगे 8 पंजो कितना 40, ये कितना आ जाएगा आपका 15। अगर मैं बात करूं 120 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, ये हो गया। अब यहां पर इनको ऐड कर दें, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दो दो बार आता है तो डायरेक्ट कर दें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10 और 15 25, 25 में 12 ऐड किया कितना 37, और सभी दो बार आ रहे हैं कितने से डिवाइड कर दें, दो से, तो यहां पर बात करें दो से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 18.5, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब देखें, अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, अगर तीनों काम करने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो तीनों मिलकर 18.5 यूनिट काम करते हैं। अब आपको निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा, अगर ए का मुझे निकालना है, किसका निकालना है, ए का, ए का अगर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं 18, अब ए का निकालना है तो यहां पर बी और सी की वैल्यू रख दूं, ए की आ जाएगी, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 15, अगर 18.5 में से मैं 15 को घटा दूं, 18.5 में से मैं किसको घटा दूं 15 को, और 15 को मई डियर घटाएंगे, किसको घटा दें 15 को घटा दें, अगर 18.5 में से मैंने क्या घटाया 15 घटाया, चलो देखें, कितना आ जाएगा आपका 3.5, और 3.5 को मैं कितना लिख सकता हूँ 7/2, यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है आपका, यहाँ पर माइडियर बात करें 3.5 यूनिट काम करेगा, टोटल काम कितना है आपका 120 है, टोटल काम कितना है आपका 120 है, तो ए अकेला 120 की बात करें 120 को मैं कितने से डिवाइड कर दूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा 240/7, यानी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 240/7 एक जगह आ रहा है। बी का भी निकाल के देख देते हैं, अगर बी की मीडिया बात करें तो देखें, बी की अगर बात करें तो बी, बी का अगर निकालना है तो देखो तीनों मिलकर कितना करते हैं 18.5, अब बी का निकालने के लिए उसमें से माइडियर क्या करें सी और ए की वैल्यू घटा दें, सी और ए एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 12, तो 18.5 में से किसको घटाया 12, अगर 18.5 में से माइडियर 12 को घटाएंगे तो यहां पर आपका कितना बचेगा, ये आपका कितना आ जाएगा 6.5, और 6.5 की माइडियर बात करें तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं 13/2, यानी बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 13/2, टोटल कार्य कितना है 120 है, तो 120 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं, ये आपका आ जाएगा कितना 240/2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आपका कितना है 13, यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 240/13, तो यहां पर बात करें आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली माइडिया बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखें, अगला क्वेश्चन चौथा ये दिया हुआ है, बात को समझेंगे, बात आपकी क्या है, यहां पर मैं ये बात कर रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन में तथा बी और सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखें क्या इंफॉर्मेशन दिए, देखो यहां पर मैं ये बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को समझते जाएं, उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते तीनों मिलकर, तीनों मिलकर मैं ये बात करें तो यहां पर बात कर रहा है, उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, फिर बात कर रहा है जबकि अकेला बी, अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, फिर बात करें यहां पर मैं ये बात करें तो उसने बोला है कि बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, यही कर रहे हैं।
अब यहां पर मैं ये बात कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और ये इंफॉर्मेशन दे के आपसे बात करेगा कि कहानी आपकी क्या चलने वाली है। एक बार आप कोशिश करें और इसका एलसीएम निकालें, एक बार कोशिश करें और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आपका क्या आ रहा है। एक बार इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6, 16 और 10 का अगर एलसीएम लें तो यहां पर माइडियर आपका कितना आ जाएगा, 240। ये 240 जो आया है ये आपका क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, क्या है आपका, कुल कार्य है। अगर ये तीनों मिलकर इसे 6 दिन में करते हैं तो 240 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 × 24 कितना आ जाएगा, 40। अगर यहाँ पर मैं ये बात करें 240 को कितने से डिवाइड करूँ, 16 से डिवाइड कर दूँ, कितने से डिवाइड कर दूँ, 16 से। अगर 240 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 16 एकम आपका कितना, 16 बचा कितना, 8, 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। अगली बात करें 240 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24। तो यहां पर उसने बोला है ए और बी का निकालना है, किसका निकालना है, ए और बी की बात कर रहा है कि ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चले देखें ए और बी का माइडियर अगर निकालना है तो बात को पूरा डिटेल में अपन देखते हैं, बात आपकी क्या है। देखें उसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 40 यूनिट। अब आपको ए और बी का निकालना है तो आपको ए और बी का पता होना चाहिए तो पहले सी का निकाल लें। अब यहां पर बात करें बी और सी, इधर देखें बी और सी की माइडियर बात करें तो बी और सी एक दिन में मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 24 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 24 यूनिट। अब आपको ए और बी का निकालना है तो बी का, ए और बी का निकालना है तो यहां पर पहले सी का निकाल लें और सी का यहां से घटा देंगे। तो यहां पर बात करें अगर बी की बात करें तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है आपका, कितना यूनिट काम कर रहा है आपका, यहां पर मैडी बात करें तो 15 यूनिट। अगर इसमें से घटा दें तो यहां पर ये सी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 24 में से अगर 15 घटाया तो आपका कितना, 9। यानी सी अकेला एक दिन में 9 यूनिट काम करता है और यहां पर आपका क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 40 यूनिट काम करते हैं। सी अकेला एक दिन में 9 यूनिट काम करता है तो यहां पर माइडिया बात करें ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 31 यूनिट काम करेगा। टोटल कार्य की अगर बात करें, टोटल कार्य की अगर बात करें तो टोटल काम आपका कितना है, 240 है। अब ए और बी एक दिन में मिलकर 31 यूनिट काम करते हैं तो 240 को कितने में करेंगे, 240 बटा कितना, 31। इतने दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को कर देंगे और यहाँ पर 340 बटा 31, 242 बटा 31, 241 बटा 31, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी। अगली मैं ये बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखें बात को समझें, पढ़ेंगे क्वेश्चन को एक बार, चीजों को देखते जाएं, आराम आराम से चलना है, प्रैक्टिस यहां पर अपन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको चलना है। देखो अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया है, बात को समझें, दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं लेकिन वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं तो दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करो। यहां पर मैं ये बात कर रहा है कि दो आदमी, एक आदमी 15 घंटे में बना देता है और एक आदमी 20 घंटे में बना देता है लेकिन वो बोल रहा है कि जब दोनों साथ में काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो कुछ बातें करने लग जाते हैं, मक्खारी कर देते हैं और ईंटें क्या लगाते हैं, कम। और ईंटें कम लगाने के बावजूद भी कितने घंटे में बना देते हैं उसे, 12 घंटे में बना देते हैं तो बताओ दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या क्या होगी। तो चलो देखें, जब भी इस टाइप की मैं ये बात करेगा आपको करना क्या है, बात को समझें। उसने बोला है दो आदमी ए और बी मान लें तो एक तो आदमी आपका क्या है ए, किसी भी दीवार को कितने घंटे में बनाता है, 15 घंटे में। और एक आदमी आपका कौन है बी, उसी दीवार को कितने घंटे में बनाता है, 20 घंटे में। ये बात आ गई। तो यहां पर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 20 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब जब भी जो एलसीएम आता है वो टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है, यानी आपको कुल ईंटें कितनी लगानी है, 60 यूनिट लगानी है, 60 यूनिट ईंटें। अब 60 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं कितना, 4, और अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड करूंगा कितना, 3। अगर वो दोनों, ये जो ए है एक दिन में कितनी ईंटें लगाता है, 4, और टोटल ईंटें लगानी कितनी है, 60। जो बी है एक दिन में कितनी
ईंटें लगाता है तीन। अगर दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर यहां पर मैं दोनों से अगर काम करवाना चाहूं ए और बी से, और ए और बी से अगर काम करवाना चाहता हूं तो दोनों अगर जाएंगे तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे, सात लगाएंगे। लेकिन उसने और इंफॉर्मेशन आपको दिए, और इंफॉर्मेशन आपको क्या दिए बात को समझेंगे। उसने बोला है कि दोनों जब साथ में काम करते हैं तो मक्कारी करते हैं और 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। कितने घंटे में? 12। अगर 12 घंटे में बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहे होंगे? टोटल आपकी ईंटें लगानी कितनी है? 60 है। अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड कर दूं तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाएंगे? 5 ईंटें लगाएंगे। कितनी ईंटें लगाएंगे? 5 ईंटें। तो यहां पर बात कर रहा है कि यहां पर दोनों अगर काम करने जाते हैं तो 7 लगा रहे हैं, और यहां पर कितना आ रहा है? दोनों अगर मिलकर काम करने जा रहे हैं और मक्कारी करते हैं तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाते हैं आपकी? 5 ही लगाते हैं दोनों। लेकिन वहां तो आपको दिया था दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगाते हैं? ए और बी। तो यहां पर आइडिया बात करें कितनी ईंटें लगाते हैं? 7। और उसने बोला भी है कि 280 जब साथ में जाते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और यहां पर कितना कम आ रहा है? 2। और वहां पर कितना दिया है? 280। यानी 2 बराबर आपका कितना? ये 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 280 हो जाएगा। अब 2 बराबर अगर 280 है तो 1 बराबर 1 यूनिट बराबर किसके बराबर? 1 यूनिट बराबर। और 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 280 बटा कितना? 2। और यहां पर बात करें तो कितना आ जाएगा? 140। अब 1 यूनिट बराबर 140 आया। टोटल आपको ईंटें लगानी कितनी है? 60 लगानी है। तो यहां पर कुल ईंटें कितने लगाने की जरूरत पड़ेगी? 60 इंटू कितना कर दें? 140। और 60 इंटू 140 करेंगे तो यहां पर आइडिया बात करें कितना आ जाएगा आपका? 8400। इतनी ईंटें लगानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। यहां पर अपन ने देखा कि दोनों एक दिन में 7 ईंटें लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कितनी? 5। तो दोनों में अंतर कितना आया? 2। और उसने बोला भी कितनी ईंटें जब साथ में काम करते कितनी ईंटें प्रति घंटा कम लगाते? 280। और यहां पर कम कितना है? 2। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 280। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 140। और टोटल अपना कितना आ रहा था? 60। 1 यूनिट बराबर आपका 140 है तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8400। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया है और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखें बात को समझें। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 5 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी? उसी टाइप का है। चलो देखें बात आपकी क्या है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखेंगे समझेंगे। उसी टाइप का जो अभी अपन ने किया था, उसने दो आदमी ए और बी मान लेते हैं ए। अगर ए की माय डियर बात करें कितने घंटे में बना रहा है? 9 घंटे में। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितने घंटे में बना रहा है? 10 घंटे में। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। टोटल कितनी ईंटें लगानी है? 90। अगर 90 है, ये 9 दिन में लगाता है तो एक दिन में 10 ईंटें लगाई होगी। अगर 90 कोई 10 दिन में लगाता है तो एक दिन में 9 ईंटें लगाई होगी। अगर दोनों ए एक दिन में 10 लगा रहा है और बी कितनी लगा रहा है? 9 लगा रहा है। अगर मैं दोनों को एक साथ भेज देता हूं तो दोनों मिलकर कितनी ईंटें लगाएंगे? 10 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 19। ये तो इससे आ गया। अब उसने क्या दिया है? उसने माय डियर दिया है, उसने आपको क्या दिया है कि दोनों जब साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी दोनों जब साथ में काम करते हैं तो मक्कारी करते हैं, और कितने समय में हो जाता है? 5 घंटे में हो जाता है। टोटल कितना है? 90। अगर वो कुल कार्य को 5 घंटे में कर देते हैं तो यहां पर उसने एक घंटे में कितनी लगाई होगी? 90 बटा कितना कर दें? 5। और यहां पर माय डियर आपका कितना आ जाएगा? 18। यानी जब वो साथ में काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगा रहे हैं? 18। यानी कितनी? ए प्लस बी, यानी साथ में काम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 18। और यहां पर जब अपन बोलें दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो यहां पर आपका कितना आ रहा है? ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। दोनों में अंतर कितना? 1। और कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं? 10 ईंटें लगा रहे हैं। तो यहां पर अंतर कितना? 1। और यहां पर अंतर कितना है आपका? 10 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 ईंटें। तो यहां पर आपको टोटल कितनी लगानी है? 90। 1 यूनिट बराबर 10 है तो 90 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू कितना? 10 बराबर कितना? 900।
कितनी ईंटें लगानी है आपको, 900 ईंटें लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। अगले की मैडिया बात करें तो अगला आपको क्या दिया है, देखें अगला यहां पर बात कर रहा है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां क्रमशः आपकी चार और छह घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति में जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो यहां पर माइडियर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मोमबत्तियां आपको दी हुई हैं और एक मोमबत्ती है जो 6 घंटे में जल जाती है और एक मोमबत्ती जो 4 घंटे में जल जाती है, और दोनों की ऊंचाइयां क्या है आपकी, समान है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति में जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात आपका क्या रह जाएगा, ऊंचाई का जो अनुपात आपका दिया है कितना रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा। तो देखो जब भी इस टाइप की बात करेगा आपको करना क्या है, दो मोमबत्तियां दिए हैं, दोनों को अपन क्या मान लें, ए और बी। अगर यहां पर मैं ये बात करें, एक मोमबत्ती कितने घंटे में जल रही है आपकी, 4 घंटे में, और ये जो बी मोमबत्ती है ये कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसका माय डियर एलसीएम अगर लेंगे, 4 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये जो 12 आया ये आपका क्या हो जाएगा, मोमबत्ती की कुल लंबाई। तो दोनों मोमबत्तियों की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 12। अगर ये 12 यूनिट जो है, अगर ये 4 घंटे में जलती तो 1 घंटे में कितनी जली होगी, 3। अगर ये 12 6 घंटे का समय लेती है तो 1 घंटे में कितनी जली होगी, 2 यूनिट। अब ये 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है और 1 घंटे में 2 यूनिट, तो कौन सी ज्यादा तेज जल रही है आपकी, पहली वाली, ए वाली। अब उसने बोला है यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो यहां पर अपन मान लेते हैं, क्या माने कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात आपका क्या रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा। तो अपन ने मान लिया, माना x समय बाद अनुपात 2:3 रह जाता है, कितने समय बाद, 1 समय बाद। अब यहां पर मैं ये बात करें तो देखें, ये 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है तो x घंटे की बात करें तो x घंटे में कितनी जलेगी, 3x जलेगी। दूसरी की अगर बात करें, 1 घंटे में 2 यूनिट जलती है तो x घंटे में कितनी जलेगी, 2x। अगर उसकी टोटल लंबाई में से ये 3x और 2x घटा दें तो अनुपात आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये बात करें, टोटल जो उसकी लंबाई थी आपकी, लंबाई क्या है, टोटल लंबाई की अगर बात करें तो टोटल लंबाई कितनी है, 12। 12 में से अगर मैं 3x को घटा दूं और दूसरी की लंबाई भी 12 है और उसमें से एक कितना घटा दें, 2x घटा दें, तो अनुपात आपका क्या आ जाता है, 2:3 आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इनका आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इनका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 12 करेंगे तो यहां पर मैडिया बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36। 3 × 3 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24। और यहां पर मैडिया बात करें, 2 × 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4x। 9x को उधर ले जाएं, 4x को 24 को इधर लेके आ जाएंगे तो 9x से 4x अगर घटाया तो आपका कितना आया, 5x। और बराबर माय डियर बात करें, 36 से अगर 24 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12। और यहां पर बात करा x बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 × 2/5। इतने घंटे बाद उनका अनुपात क्या रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा। लेकिन यहां पर माइडिया बात करें तो आपका क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया, तो 2/5 को आप क्या करें, ये घंटे में इसको मिनट में चेंज कर दें, और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 जो आपका दिया हुआ है इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से। तो यहां पर माइडिया बात करें, ये 12 × 5 कितना, 60, ये कितना आ जाएगा आपका, 24। अगर 24 आ जाएगा तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे और ये आपका 24 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 घंटे आपका 24 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, ए ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप की अगर बात करता है तो आपको इस टाइप से करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, पहला आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आई होगी। चलो देखें अगला,
अगर अगले की माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसे आप करने की एक बार कोशिश करेंगे। देखें एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और कहानी आपकी क्या चल रही है। देखें उसने बोला है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 12 तथा 20 घंटे में पूरी जल जाती है, यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। चलो देखें अब जब भी इस टाइप से मोमबत्ती की अगर बात करेगा तो आपको करना क्या है, उसने बोला है दो मोमबत्तियां, दोनों को क्या मान लें ए और बी। अगर ए और बी की आइडिया बात करें तो एक तो मोमबत्ती क्या है आपकी कितने घंटे में जलती है, 12 घंटे में, और यहाँ पर आइडिया दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी मोमबत्ती आपकी बी मान लेते हैं और ये कितने घंटे में जलती है, 20 घंटे में। दोनों का क्या ले लें एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आइडिया 12 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आएगा 60। ये जो एलसीएम आपका आया ये आपका क्या हो जाएगा मोमबत्ती की लंबाई हो जाएगी कि कुल मोमबत्ती की लंबाई कितनी आपकी 60 है, यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो यहां पर बात कर रहा है बाद में इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। चलो देखें अब यहां पर मैडिया बात कर रहा है जलाया जाए तो 3:5 रह जाएगा, तो देखें अगर ये इसकी लंबाई कितनी है 60 है और यहां पर बात कर रहा है ये अगर 12 घंटे का समय लेती है तो 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 60 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें उसने बोला है कि कितने समय बाद अनुपात लंबाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा, तो यहां भी अपन मान लेते हैं एक्स, एक्स अगर माना तो माना x घंटे बाद लंबाई का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है 3:5 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, टोटल यहां पर लंबाई कितनी है आपकी 60। अब वो अपने x माना है तो ये एक घंटे में 5 यूनिट जलती है और एक घंटे में 3 यूनिट जलती है, तो x घंटे में कितनी जलेगी 5x और ये x घंटे में कितनी जलेगी 3x, टोटल लंबाई कितनी है 60 है। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें यहां पर 60 से अगर मैं 5x घटा देता हूं और यहां पर बात करें क्योंकि दोनों की लंबाई तो 60 ही है, ये 3x घटा दें तो अनुपात आपका क्या हो जाता है कितना दिया है 3:5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 5 करें, 60 × 5 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 300 और 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25x बराबर। यहां पर माइडिया बात करें 60 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। 25 को उधर ले जाएं और यहां पर 180 को इधर लेके आ जाएं तो देखें कहानी आपकी क्या चलेगी, 25 − 9x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16x और 300 से 180 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 120, काट दें यहां पर आइडिया बात करें तो ये कितना आ जाएगा 120/16। धीरे धीरे आराम से काटें, 4 से अगर इसको काटा कूटा करें तो देखें क्या रहेगा, यहां पर आइडिया बात करें ये कितनी बार 4 बार और ये हो जाएगा आपका कितनी बार 4 × 3 = 12 और 0 अगर काटें तो ये आपका 2 टाइम और ये आपका कितना 15, कितना आ जाएगा 15/2 और 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 = 1/2 इतने घंटे आएंगे। अब यहां पर बात कर रहा है कोई ऑप्शन दिया है कि 7 घंटे तो यही दिया है, यहां पर ये आधा घंटा और आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट होते हैं तो 7 घंटे 30 मिनट आ जाएगा और आपका ऑप्शन क्या है आपका यही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा पहला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा पहला। देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लगाएं अगले में दिमाग, बात आपकी क्या है देखें करें कोशिश वहीं रखिए। तीन आदमी ए बी तथा सी किसी काम को 10
12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो तथा दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है वह उससे अगले दो दिन बाद भी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने समय में होगा। चलो पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है देखें समझें। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, क्वेश्चन को पढ़ें, धीरे धीरे चीज़ों को देखते जाएं, धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे अपने आप बात आपकी बनती जाएगी। चलो देखें, उसने बोला है तीन आदमी ए तथा बी, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में। चलो देखें बात आपकी क्या है। यहां पर मैडियो बात कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 10 दिन में। फिर बात कर रहा है ए तथा बी क्रमशः सभी का दिया हुआ है, सभी का क्या दिया है अलग अलग दिया है। तीन आदमी ए बी तथा सी क्रमशः ए कितने दिन में करता है, यहां पर मैडियो बात करें ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अगर इसका एलसीएम आइडिया लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां पर बात करें 10 12 और 15 का आपका एलसीएम कितना आएगा 60। ये जो 60 आपका आया टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, कुल कार्य होगा कि आपको कुल काम कितना करना है 60 यूनिट काम करना है। अब बात कर रहा है यहां पर मैडिया बात करें अगर 60 को मैं 10 से डिवाइड करूं कितना 6, 60 को अगर 12 से डिवाइड करें कितना 5, अगर 60 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बरोबर है। अब यहां पर मैडिया बात कर रहा है उसने बोला हुआ क्या है, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर माइडिया बात करें 6 5 कितना 11, 11 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15, यही होगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 15 यूनिट काम करते हैं। अब बात कर रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है वह उससे अगले दो दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उससे अगले दो दिन बाद आपका कौन काम छोड़ देता है सी बी काम छोड़ देता है। यहां पर क्या कर लेंगे सी, अगले दो दिन बाद सी बी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने समय में होगा। चलो देखें अब यहां पर मैडियर उसने बात करी है कि दो दिन बाद ए काम छोड़ देता है, दो दिन बाद छोड़ा है, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है दो दिन बाद छोड़ा है, अगर ए ने दो दिन बाद छोड़ा है तो तीनों ने दो दिन काम किया होगा, इन्होंने कितने दिन काम किया दो दिन, और तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 15 यूनिट, दो दो दिन में कितना यूनिट काम करेंगे दो दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे 30 यूनिट काम करेंगे, तो दो दिन में 30 यूनिट काम तो हो गया। फिर आगे देखो दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है, दो दिन बाद कौन छोड़ देता है ए, अगर दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो अगले दो दिन किसने काम किया बी और सी ने, कितने दिन दो दिन। अब बी और सी की मैडिया बात करें बी और सी, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, दोनों 9 यूनिट काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे तो दो दिन में कितना करेंगे 18। फिर बात कर रहा है दो अगले दो दिन बाद सी बी काम छोड़ देता है, अगले दो दिन बाद आपका कौन काम छोड़ देता है सी, तो लास्ट में काम कौन करेगा बी। यहां पर मैडिया बात करें 30 और 18 को अगर एड करें तो यह आपका कितना हो जाएगा 48, इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 48, और टोटल काम कितना है आपका 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। अगर 60 को माइडियर 60 से मैं 48 को अगर घटा दूं कितना बचा 12, तो ये जो 12 यूनिट है ये किसने किया होगा, ये 12 यूनिट किसने किया होगा आपका, किसने किया होगा बी ने किया होगा, लास्ट में बी ने काम किया होगा जो बचा हुआ काम है, तो यहां पर है ये 12 यूनिट बचा हुआ है और 12 यूनिट को कौन करेगा बी करेगा। और बी की माइडियर बात करें तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट को कितने दिन में कर देगा, ये हो जाएगा आपका 2 सही 2/5, तो ये कितने दिन काम करता है 2 सही 2/5 करता है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने कितने दिन दो दिन, इन दोनों ने दो दिन, और इसने कितने दिन काम किया 2 सही 2/5, दो और दो कितना 4, 4 में 2 ऐड किया कितना 6, कितना आ जाएगा 6 सही 2/5, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा 6 सही 2/5 दिन में होगा, कितने दिन में होगा 6 सही 2/5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ये तो हुआ आपका पूरा डिटेल में, ये तो आपका क्या हुआ पूरा डिटेल में हुआ कि आपने किस टाइप से कहानी को देखा। अब देखो इसी का एक और तरीका है,
उस तरीके से आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है, अगर दूसरे तरीके से मैं इसको करना चाहता हूँ तो देखो कैसे करना है, इधर देखें। देखें यहाँ पर मैडिया बात करें, अगर दूसरे तरीके से मैं इसको करना चाहता हूँ तो 60 को अगर 10 से तो 6 आएगा। देखो अब दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूँ तो टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम आपका कितना है, ये 60 आ रहा है, टोटल काम आपका कितना आ गया 60। उसने बोला है कि यहाँ पर तीनों एक साथ शुरू करते हैं तथा दो दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, अगर ए की आइडिया बात करें तो ए ने कितने दिन काम किया, दो दिन, ए ने कितने दिन काम किया, दो दिन, और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, तो दो दिन में कितना यूनिट काम किया होगा इसने, 12। फिर बात करें, आगे बात कर रहा है तथा उससे अगले दो दिन बाद सी बी काम छोड़ देता है, सी बी काम छोड़ देता है तो दो दिन बाद छोड़ता है, स्टार्टिंग में दो दिन किया था फिर इसके भी दो दिन बाद छोड़ता है, यानी सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो यहां पर माइडिया बात करें सी कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, और सी की अगर बात करें तो सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा, 16 यूनिट। अब इसको 12 और 16 को अगर 60 में से माइडियर घटा दें तो कितना बचा आपका, 32। ये तो ए और सी ने कर दिया, अब बेचारा बी तो आर पार ही काम कर रहा है, और ये काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, तो 32 को आप कितने से डिवाइड कर दें, अब 32 की माइडियर बात करें तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो 32 को कितने से डिवाइड कर दें, 5 से, तो 6 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 30, बचा कितना, 2 बटा कितना, 5 घंटे, तो टोटल कार्य आपका कितने दिन में हो जाएगा, 6 × 2/5 दिन में, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला देखें, क्लियर है, दोनों ही तरीके से अपन ने उसको देख लिया। अगली आइडिया बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, पढ़े एक बार क्वेश्चन को, एक बार पढ़ें, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उसे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा, पूरा काम कितने समय में होगा, चलो देखें करना क्या है, वही तरीका रहेगा, कुछ नहीं, देखते जाएं समझते जाएं आंसर क्या रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा है ए, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, अगर बी की बात करें तो बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और सी की बात करें तो कितने दिन में, 15 दिन में, इसका क्या ले लें, एलसीएम, और एलसीएम आएगा तो कितना, 60, ये तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अगर 60 को मैं 10 से डिवाइड करूं कितना आएगा, 6, 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा, 5, और 60 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा कितना आ गया, 4। उसने माइडियर बोला क्या है, उसने बोला है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल अगर वर्क की बात करें, टोटल वर्क कितना होगा आपका, 60। उसने बोला है तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद सी, यानी सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, तो सी 3 दिन, सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। अब सी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट, तो यहां पर मैं ये बात करें एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 12, तो 12 को क्या करें, घटा दें। फिर बात कर रहा है कि उससे अगले एक दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो यहां पर माय डियर अगर ए सी के भी एक दिन बाद काम छोड़ता है तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, और ए की अगर बात करें तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है आपका, 6 यूनिट, तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 24। यहां तक देखें, यहां तक बात समझ आई या नहीं है, एक बार देखें बात आपकी क्या है, यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ जानी चाहिए। 12 और 24 को ऐड करेंगे कितना, 36, 36 को अगर 60 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24। अब ये जो 24 यूनिट बचा हुआ है इसको करेगा कौन, इसको करेगा कौन, बी करेगा, इसको कौन करेगा, बी करेगा, और बी आर पारी काम करता है बेचारा, तो यहां पर मैं ये बात करें तो 24 को मैं कितने से भाग दे दें, ये आपका क्या है, 24 है, 24 को अगर बी करेगा तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट को कितने दिन में करेगा, इतना ही आ जाएगा,
यहां पर माइडिया बात करें चार सही चार बटा पांच दिन, और बी ने तो आर पार काम किया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा तरीका है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, क्लियर है। तो चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, चीजों को देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ आएगी। 10 क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस के हिसाब से किए हैं, मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ आई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चीजों को देखें समझें, आराम से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, और ये प्रैक्टिस के लिए अपन काम कर रहे हैं। तो ऐसे 10-10, 20-20 क्वेश्चन अपन करेंगे और चीजें आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं ताकि एक एक चीज आपकी क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो इसके आगे की कहानी फिर देखेंगे, फिर ऐसे ही अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे और टाइम टू टाइम वीडियो अपन बनाते रहेंगे। आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें, कमेंट करें और फीडबैक दें कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसे आइडिया लगेगा कि कहाँ पर कमी है और कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।